YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर जिसमें आप इस गिरावट में निवेश कर सकते हैं और काफी बेहतरीन, काफी फंडामेंटली सॉलिड ये शेयर है। देखिए, पहला जो हमारा शेयर है वो है डॉक्टर लाल पैथले, काफी बेहतरीन शेयर और यहाँ पर देखिए 4250 का ये हाई बना चुका है और वहां से काफी करेक्शन पे मिल रहा है। यहाँ पर 3290 का ये लो बनाया था यहाँ पर और यहाँ से आज यहाँ पर जो है बाउंस बैक देखने मिल रहा है क्योंकि ये इसका सपोर्ट रीजन है। अगर यहाँ पर सपोर्ट रीजन से ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये एक प्राइस का रेंज बनाए, एक रेंज बनाता है फिर उस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके लॉन्ग टर्म चार्ट का तो यहाँ पर हम वीकली चार्ट लगा लेते हैं। तो देखिए, ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, ये कंपनी 2016-17 में ही लिस्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए तो जो स्टॉक्स है ये काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट में था इस गिरावट में, पैंडमिक की गिरावट के बाद मात्र 1200 का ये स्टॉक्स 4200 का हाई लगा चुका है। उससे पहले ये 2016 में लिस्ट हुआ, तो 2016 में जब ये लिस्ट हुआ मात्र 725 रुपीज के आसपास, तो यहाँ पर जो है हाई लगाया 1290 का और यहाँ पर फिर से गिरावट आता है और स्टॉक्स फिर से 750 के नीचे भी यहाँ पर मिल रहा था। फिर वहाँ से 750 से जो ये स्टॉक्स चला है तो फिर से कभी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। मतलब जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे हम देखें तो कभी भी ये अपना लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर देखिए, जो 750 का लो था वहाँ से फिर जो लो बनाया 825 का, फिर यहाँ पर जो लो बनाया 1200 का, फिर ये स्टॉक्स ऊपर चलता ही जा रहा है। तो इस बार देखना है ये स्टॉक्स अपना लो कहाँ पे बनाता है। तो जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे गिरावट मिलता है तो वैसे ही हमको इन्वेस्ट करना है। तो जैसे गिरावट मिले आप यहाँ पर बाय कर लीजिए। यहाँ पर आपने देखा था डेली चार्ट पे भी ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और वीकली चार्ट पे भी देखिए ये इसका सपोर्ट रीजन है और यहाँ पर स्टॉक्स जो यहाँ पर बाउंस बैक दिखा रहा है, मतलब वीकली चार्ट पे भी ये हमारा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखने मिल रहा है। आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, छोटे छोटे SIP मोड में यहाँ पर निवेश करना चालू कीजिए। लॉन्ग टर्म ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, ऊपर ही जाना है इस स्टॉक्स को। अगर वही बात करें मार्केट कैप का, मात्र 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है और बात करें डिविडेंड का 0.57% का डिविडेंड कंपनी दे रही है। और वही बिजनेस की बात करें, इंडिया की लीडिंग हेल्थ केयर ब्रांड है डायग्नोस्टिक सर्विस सेक्टर में और नेशन वाइड प्रेजेंस इस कंपनी का और काफी बेहतरीन। आप कहीं पर भी देखेंगे तो ये कंपनी जो है दिल्ली में आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये कंपनी काफी बेहतरीन रूप से आपको हर जगह मिल जाएगा। जहाँ पे भी लैब होगा तो लाल पैथ लैब विजिट आप कर सकते हैं और कंपनी के बारे में जान सकते हैं। यहाँ देखिए 7000 पिकअप सेंटर है, 3095 पेशेंट सर्विस सेंटर है, 216 लेबोरेटरीज है, तो काफी अच्छा प्रेजेंस है और कंपनी जो है काफी बेहतरीन कर रही है। अभी वही बात करें कंपनी का डेट का, तो कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और रिजर्व के बाद 1182 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है कंपनी के पास। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 25% से ज़्यादा है, तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी आपको काफ़ी सॉलिड दिख रही है। और वहीं इन्वेस्टर सेक्शन में बात करें तो जो थोड़ा सा प्रमोटर स्टेक पिछले 2 साल में घटा है 1.5%, मतलब 1.5% से घटा है, जो कोई खास कंसर्न नहीं है, अभी भी 50% से ज्यादा का प्रमोटर का स्टेक है। अब उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो रेडको खैतान, देखिए ये स्टॉक्स तो चार्ट पे काफी सॉलिड है, इसमें कोई गिरावट अभी तो देखने नहीं मिला, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने मिला है जो कि है 1217 से गिर करके स्टॉक्स 1115 पे मिल रहा है। मात्र 100 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट पे स्टॉक्स मिल रहा था, गिरा तो और ज्यादा था लेकिन यहाँ पर रिकवरी भी देखने मिला क्योंकि स्टॉक्स जो है काफी जबरदस्त मोमेंटम में है और ऐसे स्टॉक्स को आपको जरूर ग्रैब करना चाहिए क्योंकि काफी बेहतरीन फंडामेंटल्स वाले ये शेयर्स हैं। अगर वीकली चार्ट लगाएं तो वीकली चार्ट पे ये काफी ज्यादा बुलिश है। ये मात्र यहाँ पर पैंडेमिक में गिरावट में ये 230 के नीचे भी ये स्टॉक्स आया था और वहां से ये 1200 का हाई लगा चुका है। अगर चार्ट पे बात करें, देखिए स्टॉक्स जब रैली करता है तो एक जबरदस्त रैली में देखने मिलता है और फिर एक साइडवेज मोमेंटम होता है, साइडवेज मोमेंटम के बाद या तो फिर स्टॉक्स नीचे आता है या तो ऊपर जाता है। तो अभी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं किसी भी छोटे से गिरावट में, कोई भी करेक्शन हो और जैसे मार्केट में रैली फिर से कंटिन्यू होता है तो निश्चित रूप से स्टॉक्स आपको जबरदस्त रिटर्न देगा। और देखिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो यहाँ पर जो सपोर्ट रीजन है इसका 900
और 40 के आसपास और 900 मतलब ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ का रीजन ये सपोर्ट रीजन है। इस सपोर्ट रीजन के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और जब भी गिरावट मिले तो इन्वेस्ट कीजिए, और जब भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिले आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें समय समय प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें बने भी रहना है और कुछ थोड़े थोड़े प्रॉफिट भी बुक करते रहना है। अब देखिए यहाँ पर चार्ट पे हम चलते हैं और पीछे, तो देखिए हमेशा ये स्टॉक्स जो है जब रैली किया है तो काफ़ी ज़बरदस्त किया है, और ज़बरदस्त रैली के बाद एक बार साइडवेज होता है फिर जा करके नीचे कोई करेक्शन देना होता है, तो ये करेक्शन देता है। फिर देखिए यहाँ पर रैली हुआ और फिर ये स्टॉक्स यहाँ पर साइडवेज चला काफ़ी लंबे समय तक, तो यहाँ से देखिए ये स्टॉक्स जो है 2008 से लेकर के 2017 तक काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा। फिर 2017 से ये 100 रुपये का शेयर अभी जो है 1200 जा चुका है। तो देख सकते हैं जो रैली होता है तो काफ़ी बड़ा होता है इस स्टॉक्स में, तो ये बड़ा रैली जो है 200 से ही चालू है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक्स नहीं है तो गिरावट में जब मिलता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये शेयर अभी पूरी तरह से बाय है किसी भी करेक्शन पे, तो आप जब भी करेक्शन में मिले बाय कीजिए। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रेडको खैतानी कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से लिक्कर ब्रांड में है जो कि इंडियन मेड फॉरन लिक्विड में मतलब काम करती है, और कंपनी के कई सारे ब्रांड है जो कि मिलेनियर प्रोडक्ट वाली कंपनी के ब्रांड है, जैसे 8PM विस्की हो गया मिलेनियर ब्रांड है कंपनी का। साथ साथ कंपनी जो है लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरर है IMFL का, इंडियन मेड फॉरन लिक्विड का। तो देखिए रम और व्हाइट स्पीड इसमें कंपनी जो है सेक्टर की लीडर है, तो कई सारे प्रोडक्ट है जो कंपनी काफ़ी बेहतरीन रूप से बना रही है। अगर बात करें वहीं पर डिविडेंड यील्ड का मात्र 0.22% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% से ज़्यादा है, प्रमोटर्स होल्डिंग 40.3% है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, डेट इक्विटी मात्र 0.15 और मात्र कंपनी के ऊपर 273 करोड़ का डेट 1766 करोड़ का, तो रिजर्व भी अच्छा खासा है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 293 करोड़ का। हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त कर रही है, और इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें प्रमोटर्स का स्टेक 40% और लगातार कांस्टेंट रूप से बना हुआ है पिछले 2 साल से, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आप चाहे तो इस स्टॉक को भी अपने गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और किन्हीं के पास ये स्टॉक्स है काफ़ी नीचे के प्राइस पे उन्होंने ले रखा है तो आप इस स्टॉक्स में बने रहिए, लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न ये स्टॉक्स आपको देगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।